तेजस्वी क्या कहेंगे? तेजस्वी राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप, तेजस्वी क्या कहेंगे? तेजस्वी क्या कहेंगे? ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, तीनों एक गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे हैं। तीनों अभी विधान परिषद के रास्ते से अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे जो यहाँ पर विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही होगी, लेकिन आप देखिए जिस तरह यहाँ अभी सुबह से सीबीआई की रेड चल रही है, उसके बाद विधानसभा में गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है और तमाम विधायक काफ़ी पहले से आ गए। ये देखिए जितनी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे विधायक यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी पुलिसकर्मियों की तैनाती। और ये वो हिस्सा है देखिए जहाँ पर विधायक अपनी गाड़ी से उतर कर अंदर जाते हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। ये देखिए ये तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ खड़े हो गए हैं, ये विधायक यहाँ खड़े हो गए हैं। यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं होती है। ये तमाम जो है महागठबंधन के विधायक हैं, इसमें कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, और ये सारे विधायक यहाँ पर गेट पर खड़े हो गए हैं। हाँ सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ये तमाम विधायक जो यहाँ पर खड़े हो गए हैं, जाहिर है जिस तरह की परिस्थिति है, हालात हैं, उसमें ये तमाम जो विधायक हैं आज इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये तमाम महागठबंधन के नेता हैं, हालांकि तेजस्वी यादव भी पहुँचे लेकिन उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है। और ये तमाम नेता जाहिर है आज जो महागठबंधन के नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज का दिन यदि चुना गया है रेड के लिए तो ये बदले की कार्रवाई है, ये राजनीतिक बदले के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसको लेकर लगातार ये विधायक विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो जगह दिखाई दे रही है ये वो एंट्री गेट है जहाँ से विधायक अंदर दाखिल होते हैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए, और इसी जगह पर अक्सर हम तस्वीरें देखते हैं जिसमें खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। और अभी ये सारे विधायक एक एक करके अब अंदर दाखिल हो रहे हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही होगी और 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो अंदर भी हंगामा आज होने के आसार हैं, क्योंकि स्पीकर ने कल साफ कर दिया कि वो पहले इस्तीफा नहीं देंगे। कल जो एक कार्यसूची थी विधानसभा की, उसमें भी पहले जो कार्यसूची थी उसमें ये कहा गया कि सबसे पहले सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, लेकिन बाद में फिर एक नई संशोधित कार्यसूची आई और उसमें ये कहा गया कि पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो जाहिर है एक तनाव की स्थिति, एक विरोध की स्थिति सदन के अंदर भी होगी और सदन के बाहर भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।